दिल्ली हाईवे स्थित रुनकता के पास एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया। ब्रेकर पर ब्रेक लेते समय ट्रक ने पीछे से तेज गति के कारण कार घुस गई। ट्रक में घुसी कार करीब 1 किलोमीटर तक घुसटती चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दिल्ली की तरफ से आगरा आ रहे ट्रक ने रुनकता चौराहे के पास ब्रेकर पर ब्रेक लिए, उसी समय पीछे से आ रही कार ट्रक में तेज गति होने के कारण घुस गई। हादसा इतना भीषण था कि कार ट्रक से चिपक गई और ट्रक के साथ 1 किलोमीटर तक खिंचती रही। इस दर्दनाक हादसे में महिला और बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरे को वाले मैं तो टेम्पो लेके आया था, तो मैंने देखा कि एक ट्रक के पीछे शिफ्ट फंस गई थी इसके पीछे, तो ये लगाना लिकवाली में लग रहे थे। मैंने तो इतना देखा था, मुझे और भी यहाँ के वहाँ के जो और भी लोग थे वो बता रहे हैं कि वहाँ पर डॉल्फिन पे बता रहे हैं कि ट्रक के पीछे घिसी चली जाइए गाड़ी। 4 लोगों की मौत हुई, 2-3 जने घायल है वो अब। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, घायल लोगों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। जोर से बोलना भैया, एक्सीडेंट हुआ है। कौन कौन सी गाड़ी से? एक ट्रक में और मारुति स्विफ्ट है। कुछ मालूम पड़ पाया कितने लोग मौत हुई है? अब भैया जो यहाँ पे एक्सीडेंट में लेके आए तो 4 लोग मतलब बहुत सीरियस है, ज्यादा नहीं खत्म हो गए। खत्म हो गए 4। अरे कोई बच्चा भी खत्म हुआ है? हाँ बच्चा है छोटा। कौन कौन सी गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट? एक ट्रक था और स्विफ्ट थी। इसमें घायल कितने लोग हैं? और 3-4 लोग और घायल है। क्या लगता है कि एक ही परिवार के हैं? शायद एक ही परिवार के और कुछ रिश्तेदार वगैरह हों, ऐसा लग रहा है। कुछ मालूम पड़ा कहाँ के रहने वाले कौन? अभी जो इनके पास से मोबाइल मिला तो उससे भी बताया कि वो हाथरस के कहीं से दिल्ली। डॉक्टरों ने क्या मेरे से घुस कर दिया? हाँ डॉक्टर में तो। कितने लोग? 4 लोग। सिकंदरा से गौरव अग्रवाल के साथ राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।